आज हम लोग खेलेंगे पिक्सल रॉल चैलेंज। पूरा नोबिटा मैदान में उतर चुका है। मोर नोबिटा को पिक्सल गिराए बगैर लास्ट तक रन करना है। ओके, मैं तो काफी अच्छे तरह से जा रहा हूँ, मेरा एक पिक्सल भी गिरना नहीं चाहिए। बेचारा नोबिटा तो मुझे लगता है संकी हो चुका है, इसने तो अपने सारे पिक्सल ही गिरा दिए। ओह माय गॉड, अब तो सिर्फ नोबिटा की कैप ही नजर आ रही है। तुम सब फिक्र मत करो, मैंने फिर से पिक्सल कलेक्ट कर लिया है और इस पिक्सल को हमें इस हाउस में जमा करके इस हाउस को भी बिल्ड करना है। नोबिटा से तो ना हो पाया, ये बेचारा तो इस हाउस को आधा भी बिल्ड नहीं कर पाया और इसे बिल्ड करने के लिए बॉस ने रन करना शुरू कर दिया है। लेट्स सी गाइस, यार के साथ क्या होता है। पहले तो काफी मेहनत करके इन पिक्सल को कलेक्ट किया था और लास्ट तक मुश्किल से पहुंचा था, और ये मोटा गाना लकून डॉग जाल तो अपने सारे पिक्सल को ही गिरा चुका है। अरे बॉस, आपकी तो मुंडी ही गायब हो चुकी है। भाई सब जेट लगड़ा कर चल रहा है क्योंकि इसकी लेग्स ही खत्म हो चुकी है और ये बेचारा रिंगता हुआ लास्ट तक पहुंच ही चुका है। और ये मैंने जब क्यों, मैं तो इस पार आ चुका हूँ। पर बॉस, आप बाहर कैसे भाग गए? क्या मुझे इस पार से इन सारे छोटे मोटे पिक्सल को कलेक्ट करना होगा तोड़ के? क्या बात है गाइस, जाले तो बहुत ढेर सारे रनर को गिरा कर ला उसे पिक्सल कलेक्ट कर लिया है। मैं लास्ट तक पहुंच चुका हूँ। वाह, मैंने देखा ना, आधा हाउस बिल्ड कर लिया इन पिक्सल से और अब इस हाउस को बिल्ड करने की मैंने ताल ली है। कीप इट अप सिंचैन, मैं तो तुम्हारे साथ, मुझे पता है तो इस हाउस को बिल्ड करके ही दब लोगे। मुझे तो लगता है ये पिंडी किसी न किसी ऑब्स्टेकल से टकर कर अपने सारे ये पिक्सल को जाहिर कर देगा। ओके, ये मैंने चमकी, मैं तो पहले ऑब्स्टेकल से बच चुका हूँ। क्या बात है, लगता है सिंचन आज बहुत प्रैक्टिस कर कर आया है। अरे बॉस, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, सिंचन तो सारे ऑब्स्टेकल से बच कर निकल रहा है। ओ भाई साहब, मैं तो काफी ऊंची ऊंची जंप कर रहा हूँ। इस उल्लू के पट्टे ने तो लैंडिंग गलत कर दी, उसके तो पाव ही कट गए। ये क्या, मैंने चमकी और मैं ये क्या बन गया? और अब तुम्हें इस रेक्टेंगल को इंडोर से गुजारना है और इस बेचारे के तो सारे पिक्सल ही फूट गए। देखकर सिंचन, तुम्हें इस खाली जगह से जाना हो, तुम तो इस दीवार से टक्कर रहे हो और दीवार से टक्करते ही सारे पिक्सल तो जाया हो गए। मुझे तो पहले से ही पता था ये लुगड़ी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें भी देख लेंगे कि तुम आखिर कौन सा पहाड़ तोड़ लाओगे। सुनियो, तो काफी अच्छे से चल रहा हो, ये इसने जंप की। देखो सुनियो, कहीं तुम सारे पिक्सल ही मत गिरा देना। पर ये लेवल तो मुझे काफी इजी लग रहा है, इसमें तो कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। अरे उल्लू के पट्टे, ये है बोनस लेवल जिसमें हमें काफी ढेर सारा सोना मिलेगा। और ये देखो, ये रहा वो चेस्ट बॉग। ओके, फाइनली मैंने इसे कलेक्ट कर लिया। गाइस, आप रन करने की मेरी बारी है, इसीलिए फटक से लाइक करो ताकि मैं इस अपने हाउस को बिल्ड कर पाऊँ। क्या बात है, डोरी बोल ने तो अब रन करना शुरू कर दिया और इसलिए पहली जंप की, ये तो फाइनली फर्स्ट निकला। पर देखकर डोरी बोल, ये राउंड काफी मुश्किल है और दिख रहा कि तो खतरनाक वायर है। और ये बेचारे तो इन खतरनाक वायर से टक्कर गया। ये राउंड तो वाकई में ही मुश्किल है और इस बेचारे तो फिर से वायर से टक्कर कर ली। देखकर डोरीमोन, कहीं तुम आगे बंद करके तो नहीं चल रहे? ओए मैं, ये क्या हो गया, डोरीमोन ने तो कल से टक्कर कर अपने सारे पिक्सल ही जाया कर दिए। ये बेचारा तो नूब निकला। और अब ये देखो गाइस, मैं आ चुका हूँ रन करने के लिए। बोचा देख लो, अगर तुम किसी भी ऑब्स्टेकल से टकरेगा तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। मुझे अंदर से तो काफी डर लग रहा है, लेकिन ऐसे करके दिखाऊंगा और लास्ट में जरूर पहुंचूंगा। और ये इसने सेकंड जंप की और गाइस देखते हैं ये आबिल भाई से बच पाएगा या नहीं। आज देखकर तुम्हारी आंखें ये लाट वाटर, तुम तो इस पहली बार से टक्कर गए थे। ओके, आप तो फिक्र मत करो, अब मैं काफी अच्छे से जा रहा हूँ। ये देखो, मैंने अपने आप को ना फिर से वापस सही कर लिया है। मुझे तो पता है इस बार पोचर हमारी नाक नहीं कटवाएगा। क्या बात है, पोचर को तो हम लोग बुद्धू समझ रहे थे, लेकिन ये तो काफी शातिर निकला और लास्ट तक बस पहुंचने ही वाला है। ओके बॉस की तरह तो मैं भी लास्ट तक पहुंच चुका हूँ और अब मुझे सारे छोटे मोटे पिक्सल को मसलना है। इस बार तो मुझे लगता है ना, पक्का हमारा हाउस बिल्ड होने वाला है, क्योंकि पोचर ने तो काफी ढेर सारे पिक्सल कलेक्ट कर लिए थे। लेकिन ये क्या, अभी भी हमारा हाउस 69% ही बिल्ड हुआ है। ओके गाइस, कोई बात नहीं, अब मैं फिर से आ चुका हूँ तो इसे हम लोग बिल्ड करके ही दम लेंगे। और इस बार तो ने तो रन करना शुरू कर दिया, देखते हैं ये इस बार बिल्ड कर पाएगा अपने हाउस को या फिर बीच में ही कई बार जाएगा। ओके, अब मुझे काफी संभल कर जाना होगा क्योंकि आगे तो ऑब्स्टेकल है। मुझे तो पहले से ही पता था ये ऑब्स्टेकल से जरूर टकरेगा। मोटो रोबिटा, तुम तो किसी काम के नहीं हो, अब मुझे ही रन करना होगा। ओके बॉस ने तो इस बार रन करना शुरू कर दिया, मुझे पता है कि बॉस लास्ट तक जरूर पहुंचेंगे। और अब तो जाल भी ऑब्स्टेकल के पास आकर खड़ा हो चुका है। तो भाई सब, जाल ने भी अपना एक तट तो कटवा ही दिया है। तुम सब तो फिक्र मत करो, क्योंकि मैं तो फिर से ये पिक्सल ले लूंगा। और देखा ना, मैंने तो अपने पिक्सल भी ले लिए और अपने आप को सेट करने के साथ साथ बॉक्सिंग ग्लव्स भी ले लिए है। पर मैंने सुना है ये राउंड काफी मुश्किल है और वो देखो सामने तो मुझे कुछ कटर्स भी दिख रहे हैं।
है। ओ माय गॉड, ये तो जाल का दर करने के लिए काफी है। जाल तो मुझे लगता है ना इसे बच कर नहीं आगे निकल पाएगा। ओके, पहले फर्स्ट को तो पार कर लिया, अब ये सिर्फ सेकंड रह चुके हैं और मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा। और ये क्या, मेरा तो सर ही कट गया। बॉस आपको अब जल्दी से रफू चक्कर होना पड़ेगा। क्या बात है, जाल तो फाइनली लेजर से भी बच कर निकल गया। और ये मैंने जंप की और ये मैं इस पार आ चुका हूँ। ओ भाई साहब, जाल को तो स्केयर बना दिया गया, उसे तो खाली जगह से निकलना है। मैंने तो काफी मुश्किल से ये पिक्सल इकट्ठे किए थे और ये तो जाय होते चले जा रहे हैं। पर अब तो इसे सबसे छोटे सर्कल से गुजरना है, देखते जाय से गुजर पाएगा या नहीं। खाली मैं इसे गुजर कर ला तक पहुँच चुका हूँ, देखते मैं इस हाउस को बिल्ड कर पाऊंगा या फिर नहीं। ओके गाइस, आप सिर्फ 6% रह चुके हैं, हम लोग इस हाउस को बिल्ड कर ही लेंगे और इस बार रन करूंगा मैं। फिर तो मुझे पक्का पता है कि इस बार हमारा घर फिर से अधूरा रह जाएगा। इस बार तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी सारा प्रैक्टिस करके आया हूँ, देख लिया ना, मैं पहली बारिश से तो बच निकला। कमल 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 सीजाल, तुम ही सारी बारिश से बच सकते हो। मुझे तो लगता है लोबीटा ने खुद ही से नजर लगा दी हो, ये बेचारा तो लगड़ा कर चल रहा है। और अब तो सीजाल के लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। मैं तो कुछ भी करके लास्ट तक पहुँच कर रहूंगा, चाहे मुझे इन सारे ऑब्स्टेकल से ही क्यों लटकना पड़े। अरे उल्लू के पट्टे, ये क्या किया तुमने, तो अपने आप को ही मरवा दिया। अरे हटो, तुम सारे के सारे नल्ले हो। और अब बारी है मेरी रन करने की, देखना मैं लास्ट में पहुँच कर इस हाउस को कैसे बिल्ड करता हूँ। सुनियो, देख कर, ये आगे लॉलीपॉप नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक ट्रैपर है। ओके, फाइनली मैंने इसे पार कर लिया और अब मुझे इन वेव से भी बचना है। ये तो हमें नल्ला कह रहे थे, लेकिन ऑब्स्टेकल से टक्कर कर इसने भी अपनी एक साइड कटवा ली है। गाइस, आपको क्या लगता है कि सुनिए लास्ट तक पहुंच पाएगा या नहीं? अरे गधे, ये क्या किया तुमने, भी इस ऑब्स्टेकल से टक्कर कर अपनी जान दे दी। ओके गाइस, अब रन करने की मेरी बारी है और मैं तो काफी प्रैक्टिस के साथ आया हूँ। हाँ, तुम्हें भी देख लेंगे कि जब तुम इन ऑब्स्टेकल से टकरोगे। अरे बॉस, ये तो पहले ऑब्स्टेकल से ही टकर गया। ओके, अभी भी मेरे पास कुछ पिक्सल बाकी है, इन्हें मैं कलेक्ट करके देखने ना कैसे लास्ट तक पहुंचता हूँ। कमोन डोरीमोन, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें लास्ट तक जरूर पहुंचना है। कीप इट अप डोरीमोन, तो काफी अच्छे से चल रहा है। और ये इसने जाम की, डोरीमोन तो अब ऊपर आ चुका है। ये सीक्रेट वे तो अभी तक हमें पता ही नहीं था। वाकई में डोरीमोन तो काफी शातिर है, देख देख कर डोरीमोन आगे भी काफी खतरनाक ऑब्स्टेकल है। ओ यहूं, फाइनली मैं तो इसे भी बच निकला। और अब बस थोड़ी देर में डोरीमोन तो लास्ट तक पहुंच जाएगा और हम लोग इस हाउस को पूरा बिल्ड कर लेंगे। और मैं तो ये बाल बन चुका हूँ और अब मुझे इन सारे पिक्सल को कुचलना होगा। माई, ये खतरनाक बाल कहाँ से आ गई, ये तो हमें नहीं चढ़ेगी। आज तो एक भी डोरीमोन की इस बाल से नहीं बचने वाला। और फाइनली मैं इस हाउस को बिल्ड करने के लिए लास्ट तक पहुँच चुका हूँ। ये 100% हमारा घर तो बिल्ड हो गया। और ये देखो गाइस, कितना ही ज्यादा सुंदर है। और उसके साथ तो हमें एक गिफ्ट भी मिला है। इस हाउस को मेरे फ्रेंड ने बिल्ड किया है, इसीलिए गिफ्ट तो मैं ही लूंगा। और इस हाउस के साथ हमें एक छोटा हाउस भी बनाना होगा। और इसीलिए नोबिटा फिर से मैदान में उतर चुका है। लेट्स बिगिन गाइस, देखते हैं इस बार मुझे कितने ही ज्यादा खतरनाक ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ेगा। इस बार तो नोबिटा के बचने के चांसेस 0% है। और अब मुझे भी लगता है कि नोबिटा इस बार सर्वाइव कर पाएगा। मुझे तो गाइस ये कोई मिस्ट्री बटन लग रहा है, मुझे ना काफी ध्यान से जाना होगा। देखकर नोबिटा, इस बार तो चेक पॉइंट भी है इसमें और तुम्हें ये लाजमी लेने हैं। क्योंकि पर अभी तक तो मुझे कोई चेक पॉइंट नहीं दिखा और मुझे ना काफी संभल कर चलना है। इस बार तो मुझे लगता है ना कोई माइंड की गेम है। यहाँ तक तो काफी सिंपल था, लेकिन आगे ऑब्स्टेकल काफी खतरनाक आने वाला है। ओके गाइस, ये घूमने वाला ऑब्स्टेकल तो काफी खतरनाक दिख रहा है। अब मुझे ना यहाँ पर से जंप करनी होगी और ये फाइनली मैंने जंप की और मैं तो इससे बाहर निकला। और हमें इस साइड पर छोटा हाउस बिल्ड करना है और ये सारे पिक्सल हम लोग इसमें जमा कर रहे हैं। नोबिटा से तो ये हाउस बिल्ड ना हो पाया, इसीलिए अब मुझे ही इसमें पिक्सल ऐड करने होंगे और मैंने इसलिए रन करना शुरू कर दिया है। अरे बॉस, आपको कुछ भी करके इस बार सर्वाइव करना होगा। इस बार तो मुझे लगता है जान का इन ऑब्स्टेकल से बर्ता बनने वाला है। ओ भाई साहब, इतने खतरनाक लेवल तो पहले आज तक नहीं देखा। अरे बॉस, आपको उस साइड पर इसे जाने का वेट करना होगा। ओके जाले, बाइट कर पहले ऑब्स्टेकल को तो पार कर लिया, लेकिन देखते हैं गाइस ये आगे क्या करेगा। और ये बेचारा तो दूसरे ऑब्स्टेकल से टकर गया और अब तो इसके पास सिर्फ गिले चुले ही पिक्सल रह चुके हैं। जाने दो जान, तुमसे ना हो पाएगा, ये राउंड तो काफी मुश्किल है। और ये देखा ना गाइस, ये तो बेचारा मर ही गया। और अब इसे पार करने के लिए आ चुका है सिंचन नुहारा और मैंने दौड़ना शुरू कर दिया है। कमर गाइस, सिंचन को सपोर्ट करने के लिए गाइस जल्दी से ना कमेंट में सिंचन ओपी जरूर लिख दो। क्या बात है, सिंचन ने तो पहले ऑब्स्टेकल को बगैर टकरे पार कर लिया और ये तो दूसरे ऑब्स्टेकल से भी बच निकला। इस बार तो किस्मत इसका भरपूर साथ दे रही है, लेकिन देखते आगे सर्वाइव कर पाएगा या फिर किसी ऑब्स्टेकल से टकर कर मारा जाएगा। और इस बार तो मुझे मैजिकल पावर मिली है। क्या बात है गाइस, सिंचन तो इनविजिबल हो चुका है और इस पावर के खत्म होने से पहले मुझे चेक पॉइंट लेना है। और आप तो वापस से ही उसी हालत में आ चुका है। क्यों
बात है, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे बॉस अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिंचा तो लास्ट तक पहुंच जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, आगे तो इससे भी खतरनाक लेवल आने वाले हैं। और ये मैंने जंप किया और मैं ऊपर आ चुका हूँ, अब मुझे ना आगे भी ऊपर ऊपर से ही जाना है। लेट्स सी गाइस, क्या सिंचा लास्ट तक पहुँच पाएगा या नहीं। क्या बात है, सिंचा तो यहाँ लास्ट तक सरवाइव कर चुका है और अब तो सिर्फ लास्ट के दो ही ऑब्स्टेकल रह चुके हैं। पहले तो इसने पार कर लिया और दूसरी लेजर ने तो इसके आधे पिक्सल काट दिए। और अब सिंचा को इस खाली जगह से गुजरने के लिए वैसे ही पोज करना पड़ेगा। समय गुजर गया और मेरे सारे पिक्सल पीछे ही गिर गए। क्या बात है, ये तो दूसरे से भी फाइल निकल गया और अब सिर्फ लास्ट का एक पोज आ चुका है। देखते हैं गाइस कि लास्ट तक पहुंचेगा या नहीं। और यहूं मैं तो लास्ट तक पहुंच चुका हूं। क्या बात है गाइस, हमारा ये हाउस तो कंप्लीट हो चुका है और अब हमारे पास एक एक नहीं बल्कि दो हाउस हो चुके हैं। तो चलो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो फटक से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।